हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। तो अभी आपकी पहेलियाँ जो पार्ट 7 थी उनकी पहेलियाँ ख़त्म हो गई। टेक्स्ट बुक में भी सारी एक्सरसाइज संपूर्ण करवाई मैंने। तो अब जो नोट में हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी आज पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट, आपके पेपर पैटर्न वाइज प्रथम आपके MCQ होते हैं और बाद में होती है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न एक अ और ब समझ लें, फिर करेंगे प्रश्न दो अ और ब। प्रश्न 3 आपका होता है व्याकरण विभाग, वो हमने कर लिया टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। तो वो आपको पक्का करना है, प्रश्न 3 जो टेक्स्ट बुक के रिलेटेड व्याकरण होगा, ओके। तो प्रथम है प्रश्न एक अ MCQ, उसमें नंबर 1, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अ आकाश, ब अंतरिक्ष, क मेघ, ड वर्षा। तो बादल का पर्यायवाची होगा मेघ। नंबर 2, खाली जगह चारपाई बनाता है, चारपाई यानी लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं वह बनाता है, तो अ सुनार, ब लोहार, क कुम्हार, ड बडई। तो बडई यानी सुथार, हिंदी में उनको बोलते हैं बडई, तो आएगा बडई। नंबर 3 है ओस बादल की खाली जगह है, तो अ बेटी, ब मौसी, क नातिन, ड पोती। तो बादल की ओस बूंदे वो क्या होती है? बादल की पोती। 4, खाली जगह इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करना है, करता है, अ चुगलखोर, ब हरामखोर, क हवाखोर, ड आदमखोर। तो अ चुगल खोर, जिनको बोलते हैं चुगली करते हैं ना, जो इधर की बात उधर, उनको बोलते हैं चुगल खोर। नंबर 5, माचिस नगर में रहने वाला चोरों का मुंह कैसा होता है? अ गोरा, ब ऊंचा, क काला, ड नीचा। तो माचिस नगर यानी माचिस की जो वो लकड़ियाँ होती हैं उनका ऊपर का कलर कैसा होता है? काला। तो क विकल्प काला। अब है ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो उसमें नंबर 1, जंगल ही खाली जगह का महल है, वनराज। 2, बादल पानी का खाली जगह और बाप है, पानी का बेटा और बाप है। 3, ओस की बूंद खाली जगह जैसी होती है, मोती। 4, पहेलियाँ मनोरंजन के साथ खाली जगह भी कराती है, दिमागी कसरत। क्या कराती है पहेलियाँ? दिमागी कसरत। तो अब आपका रहेगा प्रश्न 2 अ, जो है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आइए हम वो भी पूरा कर दे, आज सारी एक्सरसाइज पूरा कर देना है आपको। चारपाई को किसकी चीज़ बताया गया है? आंसर है चारपाई को सोने की चीज़ बताया गया है। नंबर 2, माचिस कैसा नगर है? माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। नंबर 3, बादल का बाप और बेटा कौन है? बादल का बाप बेटा पानी है। 4, नंबर ओस की पोती है, ओस बादल की पोती
है। नंबर 5, शेर कहाँ का राजा है? शेर जंगल का राजा है। 6, फोन को क्या कहलाना पसंद नहीं है? उत्तर है, चुगलखोर कहलाना पसंद नहीं है। अब है प्रश्न 2 ब, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसमें प्रथम ऐसे कहा गया है, शेर कैसा राजा है? तो वो मैंने आपको बताया था, पता है? चलो आज हम वो समझे कि राजा महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, परंतु शेर ऐसा राजा है जिसके सोने के लिए पलंग नहीं होता, जंगल ही उसका महल है, उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा है, इसीलिए शेर को ऐसा राजा कहा गया है। ठीक है। नंबर 2 है, पहेलिया का क्या मतलब है? उत्तर, पहेलिया से हमारा मनोरंजन होता है, उनका हल करने के लिए हम दिमाग लगाते हैं, और दिमाग भी क्या होता है, तेज, और हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है, इसी तरह हमारे मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ जरूरी है। तो स्टूडेंट हमें ये सारा लिख लेना है नोट में, ठीक है? उनके बाद चैप्टर 8 करेंगे। थैंक यू।